ठीक है। अब 10 डेज का अपर लिम का प्लान चला रहे हैं हम, 10 डेज का अपर लिम का, ठीक है। तो हम सारी मसल्स कवर करेंगे अपर लिम की 10 दिन में। 10 दिन में हम रेटिनोकुलम, एक्जिला वगैरह जो भी टोपी के ब्रेकल फ्लेक्सेस अपर लिम में, अपर लिम हमें 10 दिन में पूरा अपर लिम कैसे ख़त्म करना है और अपर लिम कैसे ख़त्म हो सकता है, तो हमें 10 दिन का हमने पिछले वीडियो डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके आप देखिए कि 10 दिन में अपर लिम को कैसे फिनिश किया जा सकता है। तो आज हम देखें डेल्टोइड मसल, ठीक है। डेल्टोइड मसल का इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो ये लोकेटेड कहाँ होती है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आर्म, जो आर्म होता है आर्म के अपर मोस्ट पार्ट पे, यहाँ पर डेल्टोइड मसल है, ठीक है। ये फोरआर्म है, आर्म आर्म के मोस्ट अपर पार्ट पे, ठीक है। टॉप ऑफ शोल्डर, शोल्डर जॉइंट के शोल्डर पे, ठीक है, कंधे पे। अब इसका ओरिजिन देखते हैं, तो ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन में हम 3 पॉइंट देखेंगे। तो ओरिजिन इंटीरियर बॉर्डर एंड अपर सरफेस लेटर 1/3 ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल बोन के इंटीरियर बॉर्डर, क्लेविकल बोन के इंटीरियर बॉर्डर पर अपर सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर पर भी अपर सरफेस के लेटर 1/3, लेटर 1/3 से ये ओरिजिन होती है, ठीक है। लेटरल बॉर्डर एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्क्यूपुला, स्क्यूपुला में एक्रोमेन प्रोसेस होती है, स्क्यूपुला में एक्रोमेन प्रोसेस होती है, एक्रोमेन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से ये ओरिजिन होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, स्पाइन ऑफ स्क्यूपुला, स्क्यूपुला में इंफ्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस जो स्पाइन होती हैं उससे ये ओरिजिन होती हैं। तो इसके 3 पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन होती हैं, ठीक है। इसको डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका इंसर्जन देखते हैं, तो डेल्टोइड ट्यूबोसिटी ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस में एक ट्यूबोसिटी मतलब एक गड्ढा नुमा बना होता है, वहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाती है। फिर इसका देखा नर्व सप्लाई, तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और इसका एक्शन देखते हैं, तो इसका एक्शन क्या है, अबडक्शन ऑफ आर्म इट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। आर्म का अबडक्शन करवाता है, आर्म का अबडक्शन करवाता है और शोल्डर जॉइंट का भी अबडक्शन करवाएगा, जाहिर सी बात है। इंटीरियर फाइबर क्या कराएंगे, फ्लेक्चर ऑफ आर्म, जो इंटीरियर फाइबर है वो फ्लेक्चर आप आर्म का फ्लेक्चर करवाएंगे, आर्म का फ्लेक्शन करवाएंगे, और जो पोस्टियर फाइबर है वो एक्सटेंसर करवाएंगे, ठीक है। अब इसका मोस्ट क्लिनिकल एनाटोमी देखते हैं, डेल्टोइड मसल की है, क्लिनिकल एनाटोमी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी मसल्स की क्लिनिकल एनाटोमी। अगर पेशेंट आपके पास आया कि उसको कंधे में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टोइड मसल की क्लिनिकल एनाटोमी क्या है, कौन सी नर्व डैमेज हो रही है, तो उसको ये कंधे की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हम देखते हैं। क्लिनिकल एनाटोमी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो लॉस अबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो भी पेशेंट आएगा उसका शोल्डर जॉइंट ऊपर उठेगा नहीं, वो उसको कंप्लेन रहेगी कि उसको शोल्डर जॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है, तो किस कारण से होगा, उसकी एक्सिलरी नर्व कहीं ना कहीं डैमेज है, एक्सिलरी नर्व कहीं ना कहीं उसकी डैमेज है, इसके कारण उसका शोल्डर जॉइंट ऊपर नहीं जा पा रहा है, अबडक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट कहीं ना कहीं डिसलोकेट हुआ है, ठीक है, जिसके कारण उसका शोल्डर ऊपर नहीं हो पा रहा है। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, कहीं ना कहीं उसकी सर्जिकल ह्यूमरस की सर्जिकल नेक होती है, ह्यूमरस बोन में, हम बोन भी देखेंगे सारी, तो जो बोन में ह्यूमरस बोन में सर्जिकल नेक होती है वहाँ पर इसके राउंड अप होती है एक्सिलरी नर्व, तो सर्जिकल नेक जहाँ पर डैमेज होगी, मतलब ह्यूमरस नीचे की ओर डिसलोकेशन होगी, मोस्ट शोल्डर जॉइंट में जो डिसलोकेशन होता है वो इंटीरियर साइड होता है, तो ह्यूमरस थोड़ा सा नीचे की ओर खिसकेगी, तो जाहिर सी बात है कि एक्सिलरी नर्व भी डैमेज होगी, तो जिसके कारण लॉस ऑफ अबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट का होगा। तो हम डायग्राम में देखते हैं, ये स्क्यूपुला और ह्यूमरस बोन और ये क्लेविकल, 3 बोन इन्वॉल्व होती हैं इसमें मसल्स में। तो इसका ये ओरिजिन कहाँ से होती है, ये क्लेविकल है, क्लेविकल के लेटरल 1/3 से, लेटरल 1/3 से, ठीक है, लेटरल 1/3 से ओरिजिन होती है, और लेटरल 1/3 और लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस, ये स्क्यूपुला की एक्रोमेन प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमेन प्रोसेस से होती है, और स्पाइन ऑफ स्क्यूपुला, स्क्यूपुला की स्पाइन होती है सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस से, यहाँ से ये ओरिजिन होती है, और इंसर्ट कहाँ पर होती है, ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन में यहाँ पर होता है डेल्टोइड ट्यूबोसिटी, एक गड्ढा नुमा बना होता है, वहाँ जाके इसके फाइबर्स इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका नर्व, एक्सिलरी नर्व। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।